بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. एक नए व्लॉग में वेलकम करते हैं। कि आज इतनी विंडी है आउटसाइड कि सब कुछ उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा विंडी है। एक दरख्तों के हिलने से पता चल रहा होगा कि कितनी हवा है बाहर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा है। आज मंडे का दिन है, मार्च 11th। तो हम लोगों का यहाँ पहला रोज़ा है। इस वक्त मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। आज थोड़ी सी गैदरिंग रखी है माशाल्लाह से। हम सब अपने खुद ही अपनी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, अपने बहन भाई सारे मिलके आज पहला रोज़ा हमारे घर इफ्तार करेंगे। तो अहमद सुल्तान जो कि मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा है, उसका आज मैच हुआ है। और इंशाल्लाह वो अपनी रेजिडेंसी शुरू करेगा जल्द ही। तो हमने कहा चलो छोटी सी गेट टुगेदर भी हो जाएगी और अफ्तारी भी हो जाएगी साथ मिल बैठ के। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पकौड़ों के लिए मसाला बना रही हूँ। मैंने टमाटर, मिर्चें, आलू और प्याज जो हैं वो लंबे लंबे काट के सारे, और उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्चें और धनिया वगैरह डाल दिया है। तो इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हम बेसन डाल के तो इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। यहाँ मैंने गोश्त भी बना लिया है, गोश्त का सालन बनाया है, तो वो भी तैयार हो चुका है। रूह अफ़ज़ा भी बना दी है, एक बाटल बना दी है, अभी थोड़ी सी और भी बनानी है क्योंकि रोज़े में तो रूह अफ़ज़ा चाहिए चाहिए। एक बाटल से तो कुछ नहीं होगा, गैलन नहीं है। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी और भी बनाती हूँ, तो और चीज़ें भी बनानी है जैसे कबाब, चिकन एंड समोसे, फ्रूट चाट वगैरह, तो वो भी बनाते हैं इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करते हैं। बेसन मैंने इसमें डाल दिया है, इसको मिक्स कर देते हैं। पानी फ़िलहाल इसमें नहीं डालते, सिर्फ ये सूखा सूखा बेसन ही मिक्स करते हैं, क्योंकि जब इसको रखेंगे तो ये टमाटर जो है अपना पानी छोड़ देंगे, फिर वो बहुत ढीला ढीला सा हो जाता है, थिन सा। तो ये थोड़ा सा हमने सख्त रखना है ताकि ये जब टमाटर पानी छोड़े, तो वैसे तो अभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि दोबारा मुझे पता है इसमें और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसको हम साइड पे रख देते हैं। दो किस्म की चटनियाँ भी बना दी हैं, ये ग्रीन चटनी भी बना दी दही वाली और ये मीठी चटनी भी बना दी है। तो चटनियाँ भी दोनों डन है। इस वक्त हमारी लाइट गई हुई है क्योंकि बाहर बहुत हवा है, तो हवा की वजह से लाइट को तकरीबन आधा पौने घंटे से गई हुई, अभी तक वापस तो नहीं आई, अल्लाह जाने कब आएगी। तो मेरा जो फ़ोन है वो भी डेड हो रहा है और चार्जिंग भी नहीं है। तो चलें देखते हैं कब तक वापस आती है इंशाल्लाह। चिकन को मैंने मसाला लगा दिया है, मैंने ट्रे में डाल दिया, इसके ऊपर मैं अलूमिनियम फॉइल से कवर कर रही हूँ। तो ये होल चिकन था, इसको मैंने पीसेस करके इस पर मसाला लगाया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब, कबाब भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं और ये रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर ये बना के रख दिए थे। तो अब ये साथ साथ तल रहे हैं, चिकन को ओवन में रख दिए। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है, आधे घंटे के लिए अभी रखा है टाइमर ऑन किया, आधे घंटे के बाद उसको निकाल के देखेंगे। कबाब हमारे हो गए जी रेडी, अब इनको कवर करके रख देते हैं। यहाँ पर पकोड़े तले जा रहे हैं और यहाँ पर बन रहे हैं छोले, छोले चढ़ा दिए, अब इसमें आलू डालने। यहाँ पर मैं आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ, दूसरे पकोड़े बन चुके हैं। छोलों में, चनों में मैंने आलू डाल दिए हैं, अब इसका थोड़ा सा पानी हम सूखने के लिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा पानी सूख जाए। पानी तो इतना ही सुखाना, लेकिन थोड़ा सा सुखाना है कलर, थोड़ा अभी ज़्यादा है। इसमें मैंने नमक और दड़ा मेरे डाल दिए, तो ये पानी थोड़ा सा सूख जाए तो फिर इसमें हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसमें सारे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैं समोसे तल रही हूँ, अब समोसों की बारी आ गई। समोसे
से हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए और यहाँ पर अभी बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हियर कम्स द डॉक्टर सुल्तान। लोगों ने बड़े लफे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। ना लेट नहीं बैठ। हेलो, आपको कुछ कहना है? राधा आप बैठो। चलो खोलो ना। फॉर्म तैयबा This is a recreation of that one. You know my basement? Ready, Hassan. Smile, Hassan. Must be a team of mine.